हेलो फोक्स, यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स टाइगर। दिस इज अनुज खेई। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये एक मुकाबला नहीं, एक इमोशन है। और इस इमोशन को एक बार फिर से हम मैदान पे उतरता हुआ देखेंगे जब T20 वर्ल्ड कप से पहले एक बार फिर से भारत पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। लेकिन ये मुकाबला श्रीलंका में नहीं होगा। जी हाँ, रिपोर्ट्स आ रही थी लगातार कि श्रीलंका में आप एशिया कप होता हुआ देखेंगे, एक बड़ा टूर्नामेंट बहुत समय के बाद श्रीलंका में होगा। लेकिन अब इस टूर्नामेंट को दूसरे देश में लेके जाया जा रहा है। बताएंगे आपको कहाँ पे एशिया कप ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। लेकिन सबसे पहले, स्पोर्ट्स टाइगर को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी जरूर प्रेस करिए ताकि जब भी हम लाइव आए, जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो, सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए अब आपको बता दें कि कहां पे भिड़ने वाले हैं भारत और पाकिस्तान। आप देखिए, भारत पाकिस्तान का जो मुकाबला पिछले साल हमने देखा T20 वर्ल्ड कप में, दुबई में मुकाबला हुआ था। भारत एक तरफा हार जरूर भारतीय टीम को मिली थी, 10 विकेटों से पाकिस्तान ने मात दी थी और उसका बदला कहीं ना कहीं इंडियन फैंस लेना चाहते हैं, इंडियन टीम भी लेना चाहती है। और उसके लिए दोनों टीम्स T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले एशिया कप में भिड़ने वाली हैं। और अब इस टूर्नामेंट को श्रीलंका की जगह UAE में कराने का निर्णय लिया जा रहा है। जी हाँ, चूंकि लगातार सिचुएशन जो श्रीलंका में हम देख रहे हैं, इकोनॉमिक कंडीशन के लिहाज से देखें, आर्थिक स्थिति जो फिलहाल वहाँ पे देखने को मिल रही है कुछ खास नहीं है। पूरी तरीके से देश आक्रोश में, खुश नहीं है जनता वहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि रैलियाँ निकाली जा रही हैं, गवर्नमेंट को लेके गुस्सा पब्लिक में देखने को मिल रहा है। और ऐसे में आप एशिया कप अगर वहाँ कराते हैं तो बड़ा रिस्की जो है प्लेयर्स के लिए हो सकता है। और टूर्नामेंट भी आप एक ऐसी जगह कराना चाहेंगे जहाँ पे सेफली और स्मूथली पूरा का पूरा टूर्नामेंट कंडक्ट हो जाए। तो रिपोर्ट्स कुछ इसी प्रकार से आ रही हैं कि टूर्नामेंट को अब UAE लेके जाया जा रहा है, यानी एक बार फिर से एशिया कप आप UAE में ही होता हुआ देखेंगे। पिछली बार जब टूर्नामेंट हुआ था तो भारत ने ही जो है इस टाइटल को जीता था, एशिया कप अपने नाम किया था। क्या इस बार रोहित शर्मा की कप्तानी में एक बार फिर से हमारी टीम एशिया कप लिफ्ट करेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और उसके साथ साथ भारत और पाकिस्तान का मुकाबला बड़ा ही जबरदस्त हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कौन जीतेगा इस बार जरूर हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर भी इसे जरूर कीजिएगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।